चौधरी, और जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं इस बार मैंने जो सीरीज चालू की है वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे चालू की हुई है। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में जैसा कि मैंने आपको पुशअप दिखाया था और पुशअप में बताया था कि हम लोग अपने फेलियर सेट रेपिटेशंस को कर रहे थे कि जो फेलियर हो रहा था वहां पर नहीं जा रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि दूसरा मैंने जो आपको बताई थी एंड्योरेंस की ट्रेनिंग के लिए कि जहां पर हम लोग फेलियर अचीव नहीं करेंगे, हम लोग अपना वर्किंग सेट पहचानेंगे और ज्यादा रेपिटेशन मारने की कोशिश करेंगे। तो ये इसको भी एंड्योरेंस में रखेंगे क्योंकि ये भी 10 से ऊपर ही रेपिटेशन होने वाली है, इसलिए इसको भी एंड्योरेंस में रखेंगे। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो पुलअप की होने वाली है। और आज फिर हमारे सामने हर्ष चौधरी है, उम्र 14 साल है। तो एक तरफ 14, एक तरफ 40, ये आप देख रहे होंगे, एक बिल्कुल छोटा है और एक उम्र में ज्यादा है। खैर कोई मैटर नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं हर्ष चौधरी से कि हर्ष चौधरी की आज परफॉर्मेंस कैसी रहती है। 6 से 7 सेट हम लोग मारेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो 15, 16 भी हो सकती थी, 17 भी हो सकती थी, 15 भी हो सकती थी, 16 भी हो सकती थी, 17 भी हो सकती थी, लेकिन नहीं मारी, 15 मारी हुई है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो रेपिटेशन है वो थोड़े कम कर लेंगे, यानी 15 की है तो 15 ना करके 13-13 के सेट चलेंगे। तो ये होगा वर्किंग सेट, तो ये ज्यादा लंबे समय तक कर पाएंगे। तो ये भी एक एंड्योरेंस ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। यहाँ मैंने भी 15 मारे हैं और इसको भी मैं थोड़ा सा कम करूंगा, यानी 13 करूंगा। यानी आप देख पा रहे होंगे, अब कुछ लोगों का ये भी कहना है जब आप पहले साल एंट्री करते हो तो आपका मसल्स मास होता है वो ज्यादा बढ़ता है, उसके बाद धीरे 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 कम होता है। तो इस पे आप चाहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, जब नया बच्चा आता है तो उसे एक साल तो केवल जिम समझने में लगता है, आता है जाता है, आता जाता सबके साथ होता है। दूसरे साल जाकर भी कहीं
अपने आप को फोकस कर लेता है। मैं कहता हूँ अगर पहले साल वो फोकस भी कर ले तो 8 महीने तो उसको केवल अपने फिट होने के लिए लग जाते हैं, 6 से 8 महीने केवल फिट होने के लिए लग जाते हैं। साल भर में मसल्स मास बढ़ाना, बॉडी फैट बढ़ाना एक अलग चीज है, मसल्स क्वालिटी पे काम करना वो एक अलग चीज है। चार सेट हो चुके हैं, मेरा चौथा है। चार सेट हो गए, पांचवा सेट है। देखिए हम लोग रेस्ट नहीं ले रहे, वो हटता है फिर मैं लग जाता हूँ, मैं हटता हूँ तो वो लग जाता है। आप देखिए अगर इसको रेस्ट लेके मारे तो प्रॉपर थोड़ी सी सही हो जाएगी। अब होता क्या दोस्तों, कभी कभी हम लोगों के वर्किंग सेट में समझने में दिक्कत होती है। जैसे इसने पहले आपने देखा होगा पहला सेट किया था 15 की रिपीटेशन मारी थी, बहुत अच्छी मारी थी। बाद वाले सेट में बॉडी थोड़ी सी झुक के चल रही है, ये आपकी गलती है। बैक खुल के ना आ पाने की सबसे बड़ी रीजन यही होता है कि आप जब करते हो तो गैपिंग हाथों की और चेस्ट की गैपिंग बहुत दूर कर देते हो, ऐसे करके खींचते हो, जिसकी वजह से बैक खुल के नहीं आती। तो ये गलती कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, हमें अपने वर्किंग सेट को पहचानना है। यानी इसमें पहले सेट में तो 15 मारे थी लेकिन बाद में 13-13 मारने में थोड़ी गलतियां कर रहा है, तो इसके 13 ना करवा के इसको 10 पे ट्राई करना चाहिए। तो 10 पे ट्राई करेगा तो अपना ज्यादा बेस्ट और सही फॉर्म पे दे पाएगा सबसे। और रेस्ट की भी बात है तो यहाँ पर रेस्ट भी नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करते रहो, गलती यहीं पर हो रही है कि देखिए ये जो है ये बॉडी और उसके बिल्कुल पैरेलल बराबर से न चल के थोड़ा पीछे जो होके आ रही है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है बैक ना खुल पाने की। अपने जिम में बहुत सारे लोगों को मैं बताता रहता हूँ ये कि बैक बाइसेप अच्छे हो गए, चेस्ट अच्छा हो गया, अच्छी अच्छी हो गई लेकिन बैक नहीं निकल रही है। इसका रीजन यही है, मैंने ये देखा है कि जब वो करते हैं तो अपनी चेस्ट की दूरी और हाथों की दूरी को आगे कर देते, जबकि वेट बिल्कुल ऐसे होना चाहिए और इसी सीध में खींचा जाएगा, ये तब बैक पे जो है पूरा प्रेशर पड़ता है। तो हम लोग यहाँ कितने सेट हो गए, ये छठवा सेट है, मार्च हो गया, ज्यादा मार देते हैं। कितने टाइम की वीडियो हो गए, 9:30 की वीडियो बन चुकी है। बहुत थोड़े समय में संभव नहीं है पूरी ट्रेनिंग दिखा पाना,
रिसर्च करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है, हम लोग को एंट्रेंस में बहुत बड़ा फायदा होता है। अभी देख पा रहे होंगे अभी पुशअप तो उसने अच्छी मारी थी, लेकिन ये पुलअप पे थोड़ा सा क्यों, रीजन ये है जब उसने स्टार्ट किया था मुश्किल से एक दो रेपिटेशन होती थी, अब उसको खींचते हुए यहां तक लेके आया थोड़ा और समय लगेगा। ठीक है, मेरी भी 13 डाउन पड़ रही है तो अब मैं क्या करूंगा 11-11 करके अपने सेट मार सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 11 के बाद थोड़ी सी डाउन पड़ रही है, तो 11-11 करके जैसे अभी 7 सेट मार लिए तो अभी 11-11 करके 5 सेट मारेंगे, फिर 11 से भी डाउन मारेंगे तो हो सकता है 6-7-8 आ जाए, फिर 8-8-8 करके 4-5 सेट मारेंगे, फिर हो सकता है 4 आ जाए, फिर 4-4। ये आपकी एंड्योरेंस बढ़ाती है और आपको आगे बढ़ने के लिए, यानी जब भी आप बैक की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे तो बड़ा जबरदस्त इम्प्रूवमेंट देखेंगे, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आपके पास होंगे अगर आप ऐसा कर लेते हो। क्योंकि मैं पहले भी अपनी वीडियोस बता चुका हूँ कि ये जो पुलअप आप करते हो ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है बैक के लिए, इसको स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक और ये थी एंड्योरेंस ट्रेनिंग, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और मेरी ये वीडियो शायद उन नए लड़कों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। पुराने लड़कों को भी मैंने देखा है बेसिक छोड़ देते हैं, जबकि बेसिक नहीं छोड़ना है, मैं कभी नहीं छोड़ता, जब भी मैं ऑफ होता हूं तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करता हूं। तो दोस्तों बस यही था अपना टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।